सलोनी एकदम रेडी है खाने के लिए। यम यम। राम राम प्रणाम आप सबका। हम स्वागत कर रहे हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार दुलार देते रहें। और चलिए हम सलोनी किस तरीके से बनाते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरे चैनल में बने रहें। आज हमें जो बनाना है उसके लिए चीज़ चाहिए, हरा मिर्चा, थोड़ा तीखा होना चाहिए, हरी मटर, हरी धनिया और सफ़ेद आलू। आलू सफ़ेद ही है ना, तो इसलिए सफ़ेद बोला पीले कलर पे। और लहसुन सफ़ेद है, चाहिए तो हरी हरा लहसुन, पर कौन अपने बाप के खेती हो कि जा भैया तनी से उपारे आवक खेतवा में से धनिया लहसुन, भाई यहाँ खरीदी के तो यही से बनवे के बा। कुल मिला के टेस्टी बने, चाहे चाहे खरीद के बनवा, चाहे खेते में से उपार के बनवा। मूल उद्देश्य हो बनाना और जीभ को अच्छा लगना चाहिए बस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आलू की कटिंग करने। पहला काम, आलू कट गया है, इतनी बड़ी बड़ी साइज में आलू को काटे हैं। मिक्सर में डालेंगे धनिया, लहसुन, मिर्चा। अब धनिया काट के डालेंगे। सब एकत्र कर लिए हैं, आप सब समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं इस ठंडी के सीज़न में। मुंह को क्या टेस्ट देगा वही बनाने जा रहे हैं। तो मेरा पेस्ट पीस के तैयार है, थोड़ा बहुत बाकी है वो भी पीस जाएगा। अभी थोड़ा पतला कर दिए हैं जिससे कि आसान रहे कढ़ाई में डालने में। अब अगला काम है कढ़ाई चढ़ाना, गैस को ऑन करना। और मज़ेदार की बात है, और ये कोहड़ौरी अपने हाथ की बनाई हुई घर की कोहड़ौरी है, एकदम खुशबूदार है खूब। इसको डालेंगे, थोड़ा सा लाल करेंगे इनको। तेल थोड़ा कुछ कम गर्म है। अब ये हो गया है कंडोरी, लाल कंडोरी हो गई है। अब इसमें डालेंगे आलू। और इसमें डालेंगे ये मधु लाल को। इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब थोड़ा सा हल्दी डालें, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अब आप लोग समझ ही गए होंगे फिर ये बन जा रहा है। Thank you.
अब इसमें पड़ेगा ये जो पीसे हैं, आपको और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर ये बन क्या रहा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें उतने पानी डालेंगे जितने पानी में ये पक सके, ऐसा ना हो कि खूब डाल दें और पता चला यहीं खूब रसेदार बन जाए। सलोनी सूखी ही अच्छी लगती है, लास्ट मैंने नाम बोल ही दिया। बस इतना पानी में धीमी आंच में खूब आराम से इनको पकने देना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी से मन कर रहा है कि बस कच्चे शुरू कर दें। अब इनको ढकना है, आँच करना है मधुरम मधुरम। अब इनको पकने देना है। फाइनली सलोनी बिल्कुल अब खाने के लायक रेडी हो गई है। मुंह से पानी आ रहा है देख के एकदम से।